हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। चलिए आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, 2 मार्च 2022 को भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह को, इंडिया यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप की बैठक का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? 2 मार्च 2022 को भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह इंडिया यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप की बैठक का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो बच्चों, ये आयोजित किया गया है आगरा में। आगरा कहाँ पे है? यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक जिला आगरा, वहां पे भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हियरिंग डे, वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कब मनाया जाता है बच्चों? 3 मार्च को, यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे इस बार कब मनाया गया है? 3 मार्च 2022 को। इस बार की इसकी थीम क्या है वर्ल्ड हियरिंग डे की? इसकी थीम है टू हियर फॉर लाइफ, टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। ठीक है, वर्ल्ड हियरिंग डे इस बार कब मनाया गया? 3 मार्च को मनाया गया। थीम इसकी क्या है? टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 मार्च 2007 को सबसे पहली बार वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया। WHO ने सबसे पहले 3 मार्च 2007 को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया। बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं बच्चों। 2 मार्च 2022 को भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? आगरा में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। इस बार की थीम क्या है वर्ल्ड हियरिंग डे की? टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। बच्चों, थीम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर में बहुत अक्सर पूछ लिया जाता है कि इस बार की थीम क्या है। जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम पूछ लेता है, वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम पूछ लेता है, इसलिए आपको थीम को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस बार की थीम क्या थी? टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। WHO ने, WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च 2007 को सबसे पहली बार वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया। WHO ने 3 मार्च 2007 को सबसे पहले वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया। बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को हर साल वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने राज्यों में संयुक्त कार्य योजना के रोल आउट पर एक राष्ट्रीय समीक्षा सह परामर्श का आयोजन किया। अपने पहले चरण में इसे कितने जिलों में शुरू किया गया है? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं हम। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने राज्यों में संयुक्त कार्य योजना के रोल आउट पर एक राष्ट्रीय समीक्षा सह परामर्श का आयोजन किया। अपने पहले चरण में इसे
कितने जिलों में शुरू किया गया? संयुक्त कार्य योजना के रोल आउट पर राष्ट्रीय समीक्षा सह परामर्श का आयोजन इसने अपने पहले चरण में 272 जिलों का 272 जिलों को शामिल किया है। ठीक है, 272 ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं आपके लिए बच्चों, क्वेश्चन है कि द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने राज्यों में संयुक्त कार्य योजना के रोल आउट पर एक राष्ट्रीय समीक्षा सह परामर्श का आयोजन किया। अपने पहले चरण में इसे कितने जिलों में शामिल किया गया, शुरू किया गया? 272 जिलों में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, इस बार भी 3 मार्च 2022 को मनाया गया है। हर साल ही मनाया जाता है। ठीक है, इस बार इसकी थीम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। समझे मेरी बात को बच्चों? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इस बार की थीम, इसका विषय क्या है? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यूएन जनरल असेंबली ने यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र के दौरान, अपने 68वें सेशन के दौरान 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। यानी कि यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2013 को 20 दिसंबर 2013 को 68वें सेशन के दौरान, सेशन मीन सत्र, 68वें सेशन के दौरान 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाने का निर्णय लिया, घोषणा किया। ठीक है, फिर से रिपीट कर दें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सेशन के दौरान 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2022 में स्पीयर कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसने पदभार संभाला? मार्च 2022 में स्पीयर कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसने पदभार संभाला? लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी। लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने स्पीयर कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ग्रुप में पदभार संभाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2022 में किसे 150 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है? मार्च 2022 में किसे 150 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है? वो है, किसको मिला है? अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 15 लिमिटेड। ठीक है, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 15 लिमिटेड। क्वेश्चन को एक बार फिर से चलिए हम बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं।
मार्च 2022 में स्पीयर कॉर्प्स के जनरल अधिकारी कमांडिंग रूप में किसने पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2022 में किसे 150 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है? वो है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 15 लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एसबीआई कार्ड मीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई कार्ड यात्रा एसबीआई कार्ड लॉन्च करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यात्रा एसबीआई कार्ड लॉन्च करेगा। कार्ड ग्राहकों को कितने परसेंटेज ईंधन अधिभार छूट की पेशकश करेगा? क्वेश्चन को देखिए और समझिए फिर से। क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड ने अपना यात्रा एसबीआई कार्ड लॉन्च करेगा, कार्ड ग्राहकों को कितने प्रतिशत ईंधन अधिभार छूट की पेशकश करेगा? कितने परसेंट करेगा? 1%, यानी कि 1% छूट की पेशकश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फरवरी 2022 तक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने कितने करोड़ डीमैट अकाउंट खोले हैं? फरवरी 2022 तक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ने कितने करोड़ डीमैट अकाउंट खोले हैं? कितने करोड़ डीमैट अकाउंट खोले हैं? 6 करोड़, यानी कि 2022 तक, यानी फरवरी 2022 तक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने 6 करोड़ डीमैट अकाउंट खोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सरकार ने एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई की परमिशन दी है? सरकार ने एलआईसी में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई की परमिशन दी है? 20% की परमिशन दी है, 20%। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार बच्चों। फरवरी 2022 तक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने 6 करोड़ डीमैट अकाउंट खोले हैं। नेक्स्ट, सरकार ने एलआईसी में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई की परमिशन दी है? 20%, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मार्च 2022 में यश राज फिल्म्स के नए सीईओ कौन हैं? मार्च 2022 में यश राज फिल्म के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? अक्षय विधानी। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि यश राज फिल्म्स के नए सीईओ कौन बने हैं? अक्षय विधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए एक समिति यानी कि कमेटी का गठन किया जाएगा। उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? उस समिति का अध्यक्ष होगा राम सुभाग सिंह। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि
राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। उस समिति का अध्यक्ष होंगे राम सुभाग सिंह, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई थी और न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, यानी कि एक सॉरी एक अप्रैल सो हाँ 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन बंद हो गई थी और न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी। तो वही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए समिति गठन किया जाएगा। उस समिति के अध्यक्ष होंगे राम सुभाष सिंह। एक बार फिर से देख लीजिए, यश राज फिल्म्स के नए सीईओ कौन है? अक्षय विधानी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा है, घोषणा की है कि राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए एक समिति गठन किया जाएगा। उस समिति के अध्यक्ष होंगे राम सुभाष सिंह। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने डॉग हेल्थ कवर को लॉन्च करने की घोषणा की है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए डॉग हेल्थ कवर को किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च करने की घोषणा की है? फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की किस सब्सिडरी कंपनी ने, यानी किस सहायक कंपनी ने फरवरी 2022 में अपनी कंपनी की रीब्रांडिंग की घोषणा की है? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की किस सहायक कंपनी ने फरवरी 2022 में अपनी कंपनी की रीब्रांडिंग की घोषणा की है? आइडियल फाइनेंस लिमिटेड, IFL। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, डॉग हेल्थ किस इंश्योरेंस कंपनी ने डॉग हेल्थ कवर को लॉन्च करने की घोषणा की है? फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। नेक्स्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की किस सहायक कंपनी ने फरवरी 2022 में अपनी कंपनी की रीब्रांडिंग की घोषणा की है? आइडियल फाइनेंस लिमिटेड। आइडियल फाइनेंस कंपनी क्या है? ये श्रीलंका के कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करता है। आइडियल फाइनेंस लिमिटेड कंपनी जो है श्रीलंका के कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक चीज और स्टूडेंट्स, हम लोग यूट्यूब पे ट्राई स्टार क्लासेस पे चैनल बना हुआ है, उसी पे आपको सभी तरह के कंटेंट्स मिलेंगे। आपको वहां पे SSC की भी तैयारी कराई जाएगी, रेलवे की भी कराई जाएगी, बैंक की भी कराई जाएगी, यहाँ तक कि जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं आपको सभी की तैयारी कराई जाएगी और आपको डेली का कंटेंट अवेलेबल होगा, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, GS, करंट अफेयर्स, UPG के आपको सभी वीडियो आपको ट्राई स्टार क्लासेस पे मिलेंगे। यूट्यूब पे आप सर्च करना ट्राई स्टार क्लासेस, वहां पे हमारा चैनल आ जाएगा, वहीं पे आपको सारी क्लासेस वहां पे अवेलेबल होंगी। और किसी भी डाउट के लिए, कुछ भी आपका डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप हमको मैसेज कर सकते हैं और आपके सोल्यूशन को हम सॉल्व कर देंगे। जो है करंट अफेयर्स के जितने भी डेली के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स के डेली के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे PDF फॉर्मेट मिल जाएगी। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है ट्राई स्टार क्लासेस, टेलीग्राम में भी इसी चैनल पे है ट्राई स्टार क्लासेस। और हम लोग फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे तो ऑलरेडी अवेलेबल ही हम लोग, और टेलीग्राम पे हमारा ट्राई स्टार क्लासेस नाम का चैनल बना हुआ है। वहां पे आपको सभी PDF मिलेंगी, जो भी आपको डेली कंटेंट पढ़ाया जाएगा उसमें वहां पर आपको PDF मिलेंगी। जैसा कि आज हमने आपको पढ़ाया करंट अफेयर जो है, तो इसकी भी PDF आपको वहीं टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। आप ट्राई स्टार क्लासेस नाम सर्च करना, वहां पे आपको डेली की PDF मिलेगी जो है।
चलिए स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, आज हमारी क्लास यहीं से ऑफ होती है। थैंक यू।